सवाल को देखें, एक निश्चित धनराशि पर 4% वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से 8 माह में अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह में अर्जित साधारण ब्याज से 120 रुपया कम है, धनराशि क्या है? देखिए, सबसे पहला है, यहां पे हम स्टेप्स ऑमिट मेथड है। स्टेप्स ऑमिट मेथड में हम थोड़ा सा अत्यंत कम जो है वो थोड़ा सा मौखिक करते हैं, वर्बल करते हैं, साथ ही साथ एक्स को जहां तक हो सके नहीं लेते हैं। तो देखिए, अगर हम सपोज ये निश्चित धन 100 रुपया होता तो एक साल में ब्याज कितना मिलता? एक साल में ब्याज आपको 4 रुपया मिलता है। लेकिन ये तो साल में नहीं है, महीने में है। कितना महीने में है? 8 महीने में। तो हम क्या करते हैं, 4 रुपया अगर मिलता 100 रुपये का साल में, मतलब 12 महीने में, एक महीने में क्या मिलता? 1/12। 8 महीने में कितना मिलेगा? 8/12। देखिए, इसे हमें समझना होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से छोटे छोटे चीजों को अगर समझ लेते हैं तो बैंक का मैथ करना बहुत ही आसान है। फिर से बोलता हूं, 4% वर्ष की दर से, मतलब वार्षिक दर से। तो कहने का मतलब है 4% मतलब 100 रुपये में 4 रुपया ब्याज मिलता है और 12 महीने में मिलता है। तो एक महीने में कितना मिलेगा? 1/12। तो 8 महीने में क्या मिलेगा? 8/12। अब काटते हैं इसे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो फिर क्या हो गया? देखिए, 4 × 2 = 8/3। अब देखिए, इसको 32/12 करके रखा है मैंने, अभी इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, ठीक है ना, हम यहीं पे आके रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी धनराशि पर 15% की दर से 15 माह में अर्जित साधारण ब्याज से 120 रुपया कम है। तो उसी धनराशि, हम तो 100 रुपया पकड़े हैं यहां पे, तो उसी धनराशि मतलब फिर 100 रुपया में पकड़ेंगे, 100 का 5 रुपया मिलेगा कितना? एक साल में, और 15 माह मिला बोला हुआ है, तो 5 रुपया मिलेगा एक महीने में, तो एक साल में, तो एक महीने में कितना मिलेगा? 5/12। अब बोलता है 15 महीने, तो 5/12 × 15, जैसे हमने यहां किया था, 8 महीने में तो 8/12, 15 महीना मतलब 15/12। अब इसे काटते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। अब देखिए, थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। क्या शॉर्टकट मारते हैं? देखो, यहां पे 5 से 5 × 25 = 4 25/4 है, यहां 25/4 है, यहां 8/3 है। तो अगर हम इसको, हम इन दोनों को हमें समान कर देना होगा, इक्वल कर देना होगा, या फटाफट यहां से कर सकें। तो हम क्या करते हैं, 4 से 4 से दोनों को गुणा कर देते हैं। तो देखो, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12। फिर इसी तरह 3 से इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 25 × 3 = 75 और 4 × 3 = 12। अब देखो, इसका दोनों का बेस जो ये 12 बराबर हो गया। और यहां क्या बोला है? अंतर बोला है, 120 रुपया कम है, मतलब दोनों में जो ब्याज का अंतर, यहां कितना ब्याज है? 32/12, 4 रुपये का के हिसाब से अगर 8 महीने में 32/12 है और 5% के दर से 75/12 है, तो 75 से 32 अगर घटा देते हैं तो क्या हुआ? 43 हुआ। कहां से 43 आया? 75 से हमने 32 घटाया, 5 में से 2 घटाया 3 और 7 में से 3 घटाया 4, 43। 12 तो नीचे का रहेगा ही, तो 43/12 बराबर 129 रुपया। लेकिन हमें 100% निकालना है, ठीक है ना? क्या है कि हमने x की जगह पे हमने पहले 100 मान के चला था, अब इसको हम 100% मान लेते हैं। तो क्या हुआ, देखो, 129 तो आ गया, और ये 12 क्या, 12 तो गुना में जाता है ना, तो 129 × 12 और 100% का 100 ले लिया, और 43 क्या है, नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अगर हम 43 से 129 काटते हैं तो तीन बार जाता है, क्यों? देखो तीन तियाई नौ, तीन चौके 12, तो ये तीन बार जाएगा। और 12 को 3 से गुना करेंगे 36, 36 को 100 से गुना करेंगे 3600। एक बार फिर देखते हैं इसे, क्योंकि ये जो है हम कुछ लिख नहीं रहे हैं तो फिर पीडीएफ फाइल है, इस तरह से आपको बार बार का कंफ्यूजन होगा कि ये 32/12 कहां से आ गया। देखो 100 रुपए का हमने एक्स नहीं माना, 4% है तो 100 रुपए में 4 रुपया ब्याज मिलता है, लेकिन महीना 8 है तो साल क्या होगा, 8 महीने को अगर साल में हम लिखना है तो हम 8/12 लिखेंगे ना, 8/12 साल, क्या कि 12 महीने का एक साल होता है, ठीक है। तो हमने गुना 8/12 कर दिया। अब 8/12 किया और जब यहां 4 से काटा, 4 दुनिया 8 और 4 तिया 12, फिर 4 को 2 से गुना किया, 8/3 हो गया, ठीक है ना। ये हमें मिल गया 4% की दर से। अब 5% के दर से कितना होगा, 15 महीना मतलब कितना साल, महीने को अगर आपको साल में चेंज करना है तो 12 से भागा देना है। 12 से क्यों भागा देना है, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है। तो हमने 15/12 से इसे गुना कर दिया, 100 रुपये का 5 रुपया मिलता है, और 15/12 साल में कितना होगा, 25/4। अब देखो यहाँ पे 25/4 है, यहाँ 8/3 है, हमें नीचे का बराबर करना है, तो इसे 12 करने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो 32/12 हो गया। ये 4% के दर से इतना ब्याज मिलता है 100 रुपये में। यहाँ 5% के दर से 25/4 था, इसे भी 12 करने के लिए 3 से इधर भी गुना किया, 3 इधर भी किया, 75/12। अब देखो नीचे का बराबर हो गया, अब 75 से 32 घटाए तो 43 हुआ, नीचे का 12 आ गया। अब 43/12 बराबर क्या है, 43/12 बराबर 120 नहीं होगा, 129 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, देयर विल बी 129, ठीक है। और यहां पे तो गेट फाइल द सेम, और यहां पे ये यही छूट गया है कि द डिफरेंस ऑफ 129 होगा यहां पे, दैट इज अगेन यहां पे भी ये गलती हुआ है। देन इट्स 129, तो 43/12 इज इक्वल टू 129, ये कहां से आया, ये 129 रुपया जो दिया हुआ है, ठीक है। अब 129 रुपया दोनों ब्याजों का अंतर जो 129 रुपया है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने तो 100 रुपए के हिसाब से लिया हुआ था ना, हम 100 हिसाब से ये फ्रैक्शन लिया हुआ था। अब क्या है कि अब इसे 100% के रूप से देखते हैं, यहां पर इन चीजों का आपको याद रखना है। तो फिर ये 100 से गुना हो जाएगा बराबर 3600। एक आपको और भी हम बात करते हैं कि बोले कि सर अगर भूल जाएंगे तो सीधी बात, अगर 129 को आप यहां तक पहुंच गए, ये 100 वाला मामला भूल गए तो आपको 36 रुपया निकलेगा, तुरंत आपको याद रहेगा। देखते हैं कि अरे यार 36 नहीं होगा, 3600 होगा, सर ने यहाँ पे 100% बोला हुआ था। तो ये देखो तो भी ये बड़ा हुआ, ये समझाने के लिए बड़ा हुआ, बाद में आप भी करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन तो भी मैं बोलता हूं कि 20 सेकंड में ये कर लेना संभव है।